Hey guys, this is Zahid Akhtar and you are watching the Zahid Akhtar Vlogs. And guys, आज की वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे खादी नेचुरल के शिकाकाई एंड हनी कंडीशनर का। यदि गाइज आपके बहुत ज्यादा थिन हेयर्स हैं या आपके बहुत ज्यादा मोटे बाल हैं तो इस वीडियो को जरूर देखेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस मुखड़े को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद दो चार वीडियोस और देखिएगा। और मेरा एक चैनल और है, यदि आपको व्लॉगिंग, फूड वीडियोस, ट्रैवल वीडियोस पसंद है तो उसका लिंक यहां आ रहा होगा या यहां मैं आपको उसकी कुछ फोटोएं खींच के दे दूंगा, सो देख लीजिएगा जाके। और गाइज, इस चैनल पे मैं हेयर केयर पे वीडियो, स्किन केयर पे वीडियो, प्रोडक्ट रिव्यूज, मेन ग्रूमिंग वीडियोज, शॉपिंग हॉल्स, कुछ इस प्रकार की वीडियोस बनाता हूँ। सो यदि आप उनमें से कोई चीज़ में भी इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबा दीजिएगा। और अब हम सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, इससे पहले कि आप ये वीडियो देखना शुरू करें, मैं आपसे कहूंगा कि मैंने एक कुछ महीनों पहले वीडियो बनाई थी खादी नेचुरल के हेयर क्लींजर या जिसको हम शैम्पू कहते हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिएगा। और अगर वो वीडियो आपने देखी है तो इसको देखने में आपको बहुत मजा आएगा। गाइस, पैकेजिंग की बात करें तो इसकी पैकेजिंग हूबहू इसके हेयर क्लींजर की तरह है। पैकेजिंग की अगर बात मैं करूँ तो मेरे को इसकी पैकेजिंग इतनी नहीं समझ आती है। बस अच्छी चीज़ क्या है कि ये ट्रांसपेरेंट है तो आपको पता चल जाता है कि अंदर प्रोडक्ट किस कलर का है, कैसी कंसिस्टेंसी का है, और जब ख़त्म हो रहा होगा तो आपको बस ये पता चल जाता है। और जब क्वालिटी की बात करते हैं तो जो प्लास्टिक है ना, ये मेरे को थोड़ा डाउटफुल रहता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि इसकी पैकेजिंग को थोड़ा सा सुधरना चाहिए, लेकिन जो इसके ऊपर की कैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। कैप का जो ये ऊपर का ये खोलने वाला नॉच है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। सो बॉटल को अगर पूरा नंबर देना चाहूँ मैं इसकी पैकेजिंग को, तो मैं दूंगा 5 में से 3 नंबर। गाइस, जब हम बॉटल के ऊपर साइड में नज़र मारेंगे तो हमको देखने को मिलता है खादी नेचुरल की ब्रांडिंग दी हुई है, उसके बाद लिखा है हर्बल हेयर कंडीशनर, फिर खादी शिकाकाई एंड हनी, मतलब इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है शिकाकाई एंड हनी। उसके बाद लिखा है फॉर शाइनी हेयर रीन्यू हेयर फॉलिकल्स डीप क्लींजर, उसके बाद लिखते हैं फॉर थिक हेयर, उसके बाद है SLS पैराबिन फ्री। तो चीज़ अच्छी क्या है कि SLS और पैराबिन फ्री है तो कोई नुकसान इससे नहीं होने वाला। लेकिन साथ ही मैं आपको ज़रा बोलना चाहूँगा कि ये जो 3 पॉइंट बोले हैं इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊँगा कि ये कितने सच हैं। फॉर शाइनी हेयर रीन्यू हेयर फॉलिकल्स डीप क्लींजर, ये 3 पॉइंट में हमें ध्यान देना है वीडियो की एंड में, जब मैं अपना कंक्लूजन करूँगा। उसके साथ ही जब हम देखेंगे बेनिफिट्स में लिखते हैं कि शिकाकाई एंड हनी कंडीशनर नरिशेस द स्कैल्प एंड स्ट्रेथन्स द हेयर फॉलिकल्स, इट एड्स वॉल्यूम, इम्प्रूव्स टेक्सचर एंड एड्स शाइन टू द हेयर्स, इट आल्सो कंटेन्स एसेंशियल विटामिंस दैट गिव अ हेल्दी शाइनी एंड थिकनेस टू द हेयर्स। उसके बाद जब हम इसके तत्वों की ज़रा बात करें तो उसमें वाटर है, वीट जम ऑयल है, एलोवेरा है, मुलेथी है, एप्पल एक्सट्रैक्ट, आमंड ऑयल, उसके बाद नींबू है, अजवाइन है। प्राइस की बात करें तो 235 रुपये में हमें मिल जाता है 210 ml ये कंडीशनर। इस प्रोडक्ट के बारे में तो हम सारी बातें कर ली हैं, अब बारी आती है मेरे एक्सपीरियंस और मेरे ओपिनियन की। गाइस, तो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो बहुत ही बढ़िया रहा है, और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ मेरे पिछले 1.5-2 महीने का एक्सपीरियंस। और इसको मैंने वीकली यूज़ करा है, हफ्ते में एक बारी मैंने यूज़ करा है गाइस। और यदि आपने मेरा क्लींजर वाला वीडियो देखा होगा तो अब आप इसको रिलेट कर पाएंगे। तो देखो, मसला क्या होता है कि कंडीशनर आप तभी यूज़ करते हो जब आप पहले शैम्पू लगा लेते हो, तो शैम्पू लगाने के बाद आपको कंडीशनर अपने बालों में लगाना होता है, 5-6 मिनट के लिए अच्छे से लगा के छोड़ दो, उसके बाद बॉयल अपने बाल अपने हेयर्स को वॉश कर लेते हैं। सो इस कंडीशनर को लगाने के बाद क्या हुआ मेरे साथ कि एक तो मेरे वैसे ही बहुत ज़्यादा थिन हेयर हैं, तो मेरे घर में सभी के थिन हेयर्स हैं, तो थिन हेयर्स वालों के साथ क्या होता है कि आपके कंडीशनर लगाने के बाद बाल और ज़्यादा थिन लगने लगते हैं, वॉल्यूम आपके सर पे बिल्कुल नहीं रहता। जो थिक हेयर्स वाले हैं वो हमेशा चाहते हैं कि उनके सिल्की हेयर रहें, तो उनके साथ तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये कंडीशनर उनके लिए परफेक्ट काम कर रहा है। जितने भी थिक हेयर्स वाले हैं उनके बालों में शाइन प्रोवाइड कर देता है और सिल्की हेयर बना देता है। अब मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बोला था कि जो इस पे 3 पॉइंट लिखे हैं उसके बारे में बात की जाएगी, तो उन्होंने लिखा था फॉर शाइनी हेयर, हाँ शाइनी हेयर मिलते हैं। सेकेंड है रीन्यू हेयर फॉलिकल्स, मतलब जो आपके हेयर फॉलिकल्स कुछ बंद हो गए थे उसको खोल देता है, या कुछ 2-4 नए जो भी इन मतलब इसका यही कि रीन्यू हेयर फॉलिकल्स का मतलब यही है कि जो आपके बालों के छिद्र बंद हो गए थे वो खुल जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जितने सर से बाल गए हैं वो आए नहीं हैं। तीसरी चीज़ डीप क्लींजर, हाँ अच्छे से क्लींजिंग करता है। अब इसके पीछे जो इन्होंने बेनिफिट्स में बोला था कि आपके बालों को शाइन प्रोवाइड करता है और थिकनेस टू योर हेयर, और उससे पहले इन्होंने बोला था इट एड्स वॉल्यूम,
तो अब हम ज़रा फोकस करेंगे, मेरे को भी फोकस कर ले भाई। तो अब हम फोकस करेंगे कि एड्स वॉल्यूम टू योर हेयर और थिकनेस टू योर हेयर। तो कंडीशनर को लगाने के बाद पहली बात तो कोई भी कंडीशनर लगा दो, आपके बाल कभी थिक नहीं होते हैं। कंडीशनर का काम ही यही है कि आपके बालों को कंडीशन कर दे और सिल्की बना दे। और इस कंडीशनर को लगाने के बाद तो बिल्कुल भी 1% भी मैं आपको कहने वाला हूँ कि बिल्कुल भी बाल थिक नहीं हुए, और वॉल्यूम तो दूर की बात है, वॉल्यूम भी नहीं आया। तो गाइज़ जिनके देखो ये कोई ख़राब बात नहीं है, अब जिनको शाइनी सिल्की हेयर चाहिए तो वो कर सकते हैं। अब मसला क्या होता है कि उसके बाद आपको फिर वैक्स यूज़ करना पड़ेगा, बिना वैक्स के आप अपने बाल को नहीं संवार सकते, अपने बाल को वॉल्यूम नहीं दे सकते। और जो थिक हेयर्स वाले हैं उनके लिए तो भैया ये जन्नत का काम करता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने कैप इसीलिए पहनी थी, मैंने आज शैम्पू करा है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सीन क्या है। तो आप अभी ध्यान से देखो कि मैं अपने बालों को मैं आराम से ऐसे कर पा रहा हूँ, और बालों में आप शाइन देख रहे हो, शाइन पूरे हैं बालों में, ठीक है, शाइन पूरे हैं। बट जो सीन है कि मेरे बालों का वॉल्यूम, वैसे भी बालों में डेंसिटी कम है, फोकस हो जाए एक बार, तो बालों में वैसी डेंसिटी कम है। और कंडीशनर लगाने के बाद क्या होता है कि मैं अपने बालों को, मतलब मैं बहुत मेहनत लग रही है अपने बालों को सेट करने में, मतलब बिना वैक्स के मैं अपने बालों को स्टाइल कर ही नहीं सकता आज की डेट में, मतलब आज जो मैंने शैम्पू करा है। सो बस ये मेरे को लगा कि जितने थिन हेयर्स वाले हैं उनके लिए एक ही नेगेटिव चीज़ तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब हाँ अगर आप वैक्स यूज़ वगैरह करते हो तो आप इसको शौक से यूज़ करो। और गाइज 1.5-2 महीने में जो मैंने देखा है कि जितने तेज़ी से भी जो जैसे भी मेरे बाल गिर रहे थे या जो भी है, उसमें कोई ना इजाफा हुआ है ना कोई उसमें कमी आई है, और कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिले हैं गाइस। और एक चीज़ अच्छी लगती है ना कि जो इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाले यूज़ कर रहा था, तो उससे अभी जब इस पर स्विच मारा है तो वो थोड़ा सा अच्छा, मतलब करने के बाद, यूज़ करने के बाद लगा है। और बालों में नेचुरल ऑयल जो इसमें इन्होंने डाले हैं ऑयल, तो वो भी आपके बालों में रहते हैं, नरिश करते हैं। हाँ ये है कि आपके बाल अगर ये उगा नहीं रहा है ना, तो आपके बाल जो है लाइफ बढ़ा रहा है। सो अभी कंक्लूजन पे आते हैं, जो थिन हेयर्स वाले हैं, पतले हेयर्स वाले हैं, वो इसको शौक से यूज़ करो। बस एक चीज़ है कि वॉल्यूम आपके चेहरे पे, सर पे, चेहरे पे कैसे, आपके सर पे वॉल्यूम बिल्कुल नहीं दिखेगा, और उसके बाद शाइन देता है, प्रॉपर शाइन देता है गाइस, जो आपने अभी देखा। सो वॉल्यूम का जो मसला है, वॉल्यूम नहीं मिलेगा। और जो थिक हेयर्स वाले हैं उनके लिए तो ये जन्नत है। सो ओवरऑल अगर बात करें तो हाईली रिकमेंडेड कंडीशनर है। बस जो थिन हेयर्स वाले हैं, अगर आप वैक्स लगा सकते हो तो इसको धड़ल्ले से यूज़ करो, और कोई इसमें नेगेटिविटी देखने को नहीं मिली है। अगर गाइस आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करिएगा, और कमेंट लिख के बताइएगा कि कौन आप खादी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, और कौन इस कंडीशनर को यूज़ कर रहा था, और कौन से प्रोडक्ट आपको चाहिए इन फ्यूचर में कि मैं रिव्यू करूं। और इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो कनेक्ट हो जाइएगा, मैं चलता हूं इस वीडियो को एडिट करने। टिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।